दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में भर्ती को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। बहुत इंतजार था कि आखिर में नोटिस कब आएगा, कब मिलेगी सहूलियत, कब मिलेगी खुशखबरी। तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। और नोटिस में आखिर में लिखा क्या है, क्या जानकारी दी गई है भर्ती से रिलेटेड, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा यूपी होमगार्ड भर्ती 2023, जिससे कि आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। और यहाँ पर जो नोटिस मैं आपको दिखाऊँगा वो मैं अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दूँगा। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके सीधे मेरे फेसबुक पेज पर पहुंचिए और पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई गई है और नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। भर्ती का इंतज़ार था कि आखिर में ये भर्ती होगी कब, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मामला क्या है और नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो फुल स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ कि आखिर में नोटिस में है क्या। तो आपको स्क्रीन पर ये नोटिस दिख रहा होगा, आवश्यक सूचना, और ये जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय गोमती नगर लखनऊ की तरफ से रिलीज़ किया गया, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ये नोटिस जो है जारी किया गया है। आवश्यक सूचना जो है जारी की गई है होमगार्ड भर्ती को लेकर। अब देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 12 जून 2023, यानी कि कल ही ये रिलीज़ किया गया है। आवश्यक सूचना है, मामला क्या है वो इसको बड़ा गंभीरता से जब आप समझेंगे डिटेल से, तब आपको समझ में आएगा आखिर में मामला क्या है। तो हम लोग देखते हैं इसमें लिखा क्या है। आयोग के विज्ञापन संख्या दे रखी है, 2016 में एक विज्ञापन जारी किया गया था भर्ती का, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था भर्ती का होमगार्ड विभाग में। देखिए, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रयोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 2016 की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड लखनऊ के नियंत्रणाधीन वैतनिक प्लाटून कमांडर, ठीक है, के 17 पद थे। इसमें 2016 में जो भर्ती हुई थी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, इसमें वैतनिक प्लाटून कमांडर के 17 पद थे। इसके अलावा ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 15 पद थे। इसके विज्ञप्ति किए गए थे तथा उक्त पदों हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हताएँ प्रकाशित की गई थी। तो 2016 में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भर्ती की गई थी, जिसमें वैतनिक प्लाटून कमांडर के 17 पद थे और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के जो थे वो यहाँ पर 15 पद जो है उनके लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था। अब देखिए आगे, देखिए इसमें क्या लिखा है। अपर पुलिस महानिदेशक होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या इन्होंने दे रखी है 27/1/2016 तथा पत्र संख्या दूसरी दे रखी है 27/1/2016 द्वारा। शासनादेश संख्या भी इन्होंने दे रखी है, ये 27/7/2001 के क्रम में आयोग की आवश्यक सूचना दे रखी है इन्होंने दिनांक 4/2/2016 द्वारा डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड लखनऊ के नियंत्रणाधीन वैतनिक प्लाटून कमांडर तथा ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पद पर चयन हेतु भर्ती के समय होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को 25% का आरक्षण अनुमान्य किए जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी। तो ये जो यहाँ पर विज्ञप्ति आई थी 2016 में, इसमें 25% आरक्षण दिया गया था होमगार्ड जवान जो हैं उनको दिया गया था। इसके अलावा अवैतनिक अधिकारी हैं, इन दोनों को 25% आरक्षण इन भर्तियों में दिया गया था जो 2016 में भर्ती की गई थी। 17 जो थी वैतनिक प्लाटून कमांडर की थी और 15 जो थी ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की थी। इन भर्तियों में 25% आरक्षण जो है हमारे अवैतनिक कर्मचारी और अधिकारियों को दिया गया था, ये बात क्लियर की गई है। आगे देखिए, आयोग की उपयुक्त आवश्यक सूचना द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि विभाग के पत्र संख्या दे रखी है 17/1/2016 के अनुसार ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की रिक्तियों को 15 पद के स्थान पर अब ब्लॉक ऑर्गेनाइजर हेतु रिक्तियों का विवरण अनारक्षित के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 0, अनुसूचित जनजाति के लिए 0,
एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 यानी कि 9 रिक्त पद ही पढ़ा जाए, ठीक है। ये कह दिया गया था ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के जो पद थे यहाँ पर, हमारे 15 पद थे, उनको किस तरीके से पढ़ा जाए उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर जानकारी दे दी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पढ़ा जाए तथा उपयुक्त संशोधन के दृष्टिगत प्रश्नगत विज्ञापन संख्या के अंतर्गत आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो थी वो 15 फरवरी 2016 तक बढ़ाई गई थी। तो ये चेंजेस किए गए थे, ये इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है कि भाई हमने इस विज्ञापन में ये बदलाव किए थे, इस तरीके से बदलाव किए थे। आगे देखिए, अब आती है मेन बात। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष लिखित परीक्षा दिनांक 26/6/2016 को आयोजित की गई थी तथा अंतिम चयन परिणाम आयोग की आवश्यक सूचना यहाँ पर दे रखा है 15 दिसंबर 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसका जो रिजल्ट है वो 15 दिसंबर 2016 को प्रकाशित कर दिया गया था, ठीक है। देखिए, जिसमें होमगार्ड, स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारियों को 25%, ठीक है, के 36 आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण वैतनिक प्लाटून कमांडर के 3 पद तथा ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 2 पद रिक्त रखे गए थे। देखिए, उस वक्त क्या था कि यहाँ पर ये जो 25% आरक्षण दिया गया होमगार्ड स्वयंसेवकों को और ब्लॉक अवैतनिक अधिकारियों को, उस वक्त ये जो आरक्षण है वो लागू तो नहीं लागू हो गया था, ठीक है। उन्होंने लागू किया था कि भाई 25% आरक्षण में ये पद भरे जाएंगे, लेकिन वो पद जो है उस वक्त रिक्त रह गए थे, ठीक है, नहीं मिल पाए थे। उन्होंने लिख दिया है कि अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण, उस वक्त जो है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाए थे, इसीलिए जो है ये 3 पद जो है वैतनिक प्लाटून कमांडर के और 2 पद जो है ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के जो हैं वो रिक्त रह गए थे। ये क्लियर बात कह दी गई है, ठीक है। तो 5 पद हैं, 3 पद हैं प्लाटून कमांडर के और 2 पद जो हैं वो हैं ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के। उक्त अंतिम चयन परिणाम के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट याचिका संख्या A14530/2019, ठीक है, नितेश कुमार कुशवाहा व एक अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य योजित की गई थी। तो एक याचिका डाली गई नितेश कुमार कुशवाहा द्वारा, ठीक है, इसी मामले को लेकर, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3/5/2023 को पारित आदेश के अनुपालन में माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत बेहतरीन प्लाटून कमांडर तथा ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पद हेतु आवेदन करने वाले तथा लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों में से विज्ञापन में आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2016 तथा उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के रूप में 3 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना संग्रहित की जानी है, ताकि होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारी हेतु आरक्षित रिक्त पदों को भरने हेतु मेरिट सूची तैयार की जा सके। क्लियर कर दिया गया है कि भाई हाईकोर्ट ने कहा कि भाई एक सूची तैयार करो कि आपके ने जो लिखित परीक्षा कराई थी उस परीक्षा में कितने ऐसे होमगार्ड जवान परीक्षा दिए थे जिनकी जो सर्विस है वो 3 साल हो गई, या फिर कितने ऐसे अवैतनिक हमारे जो अधिकारी हैं वो परीक्षा दिए हुए थे जिसमें जिनके जो यहाँ पर 3 साल नौकरी पूरी कर चुके हैं। तो वो सूचना यहाँ पर मांगी गई है और उसी सूचना के आधार पर जो है ये जो रिक्त रह गए पद हमारे 3 पद प्लाटून कमांडर के और 2 पद जो हैं ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के ये भरे जाने हैं इन्हीं, ठीक है, होमगार्ड जवानों से और अवैतनिक अधिकारियों से, जो 25% कोटा इनको दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। आगे देखिए, तत्क्रम में संबंधित अभ्यर्थी को एतद् द्वारा सूचित किया जाता कि वे आयोग की वेबसाइट UP SSC.gov.in के होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारी का चिन्हांकन, ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है अपनी वेबसाइट पर, ये वाला कॉलम, इस पर क्लिक करके विकल्प पर जाकर निम्नलिखित चरणों का पालन करते हुए वैतनिक प्लाटून कमांडर एवं ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पद हेतु अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दावा प्रस्तुत करना है और इन्होंने पूरा तरीका यहाँ पर दे दिया। अभ्यर्थी को प्रश्नगत विज्ञापन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, अपने जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट करते हुए क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन को क्लिक करते हुए लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारी के चिन्हांकन हेतु वेब पेज पर उपलब्ध ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंतर्गत यस या नो विकल्प का चयन करते हुए सेव बटन को क्लिक करना होगा। सेव बटन को क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा
दर्ज किए गए विवरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को निर्देशित किया था कि वह निर्धारित अर्हता की भलीभांति पुष्टि करने के उपरांत ही सेव बटन पर क्लिक करें। समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता कि वे दिनांक 26 जून 2023 की मध्यरात्रि तक अपना दावा ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए प्रत्यावेदन के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि के उपरांत अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अवनीश सक्सेना सचिव, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के जो सचिव हैं, उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया है, ये आवश्यक सूचना जारी कर दी है। तो भाई 2016 में जो यहाँ पर ये भर्ती हुई थी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से होमगार्ड विभाग के लिए, इसमें जिन लोगों ने लिखित परीक्षा पास की उन अभ्यर्थियों से ये दावा मांगा गया है, क्योंकि ये जो रिक्त पद हैं ये भरे जाने हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया भाई इन पदों को भर लीजिए, इसलिए ये दावा मांगा गया है और ये दावा 26 जून तक आपको वेबसाइट पर जाकर देना है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने 2016 भर्ती में, ये जो आप भर्ती हुई थी 2016 में बैटनिक प्लाटून कमांडर की और ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र की, अगर आप इसमें प्रतिभाग किया था और आप रह गए थे, तो आपके लिए बढ़िया खुशखबरी है। मौका ये बहुत अच्छा है, ये जो पद हैं पूरे भरे जाएंगे, जो खाली पद रह गए थे पूरे भरे जाएंगे। तो आप जाकर अपना दावा कीजिए, जल्दी से वेबसाइट पर जाइए और जो इसमें तरीका दिया गया है उस तरीके को अपना कर आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। और ये जो नोटिस है मैं अपने फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा, फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फेसबुक पेज पर जाइए और पेज को लाइक करके फॉलो कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।